लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और इनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजौरी पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि इन्हें किसी और एमपीओ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने डीसी रावलपिंडी के 3 एमपीओ ऑर्डर कालादम करार दे दिए और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का शॉर्टी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। वाज़े रहे कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था और इनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी, लेकिन अडियाला जेल से रिहाई के बाद इन्हें एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।